बाबू जो खाद आप लिए हो कहाँ लेके जाबू सेमरा केकरे के ले जाबू ये हकीकुल्ला के है जाई और एक बनाई है कितना कितना है काका सात गेहूँ है हाँ सात डाई है हाँ सात यूरिया है कौन डाई हो डीएपी हो किसान 1846 होता है 1846 केकरे यहाँ से लावत हो नमो यार नाई है दुकनिया कहाँ है दुकनिया वाला वहीं है चिलियाले रोड पे पच्छू गौरा चौराहा कौन है पच्छू हाँ चिलिया रोड पे तो एक बिल बिल वाउचर कुछ है का कर सब लेके गए हैं कब लेके गए हैं वो कल ही आए रहे हैं हाँ। तो हमारे पास टाइम ना आए रहा अच्छा सुबेरे पहुँचा दे हकीकुल्ला और अमीरुल्ला क्या हो ना क्या नाम है आपका हकीकुल्ला हकीकुल्ला जी कहाँ के रहने वाले हैं ग्राम बाजार टोला सेमरा कल आपकी खाद आ रही थी जी बुग्गी वाला बता रहा था जी तो क्या क्या था उसमें और कहाँ से ला रहे थे आप ये गौरा से ला रहे थे हाँ। और उसके बाद जो है सात बोरा डाई हाँ। और सात बोरा यूरिया हाँ। और छः सात बोरा गेहूँ हाँ। और 20 किलो हाँ। सात बोरा 20 किलो गेहूँ उसमें कितने कितने लोगों का था खाद उसमें किसका किसका था चार तीन आदमी का था किसका किसका था ये अमीरुल्ला हाँ। हिदायतुल्ला हाँ। और हकीकुल्ला तो आपसे यूरिया का क्या रेट लिया गया वहाँ 3.5 डाई का 14.5 हाँ गेहूँ का 14 कोई पर्ची वगैरह बना के दिए थे आपको पर्ची नहीं दिए थे हाँ नहीं बिल नहीं दिए थे बना के नहीं अब यही दिए हैं कौन सा बिल दिखाई अपने हाथ में लेके आप ये तो जो इसका खाद का बिल होता है ओरिजिनल बिल दुकानों का ये तो वो आप नहीं मांगे उनसे ना मैं मांगा ना वो दिए अच्छा खसरा खतौनी कुछ आधार वगैरह लिए थे आधार ले गए थे और जो किसान भाई ले गए थे हाँ तो लिए थे वो कि नहीं उसको लिए थे किसके दुकान से लाए हैं ये शकील कहाँ पे दुकान है ये परैया जब जाओ हाँ। चिलियाले रोड पे हाँ। उसके बाद वहीं पड़ेगा यूरिया 266 है हिसाब से कोई तो दे नहीं रहा अच्छा कहीं नहीं मिल रहा कहीं नहीं मिला आपने चेक किया हर जगह चेक किया था अभी नया थोड़ी लाए हैं अच्छा अच्छा हाँ हर साल हम लोग ला के डालते हैं जो जो रेट सर नियम है हाँ। वो रेट से कोई नहीं दे रहे हैं कोई नहीं देता कोई नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं कि खाद सस्ती मिले तो क्यों नहीं चाहेंगे हाँ। हाँ। कैसे मिल पाएगी खाद सस्ती तो आखिर कैसे अब हम लोग क्या करें भाई किसान हाँ। आदमी हम उसमें क्या कर सकते हैं हाँ, हाँ। हाँ ये अधिकारियों को चाहिए कि वो दुकानों का चेक करें जो है वो अपना जो है कार्रवाई करें या जो है शासन जी जी पे अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए जी। अच्छा अगर बिल नहीं है तो खाद डुप्लीकेट भी हो सकती है आपकी अब कुछ भी हो सकता है उसके अंदर क्या मालूम क्या है क्या नहीं जैसा कि डुप्लीकेट खाद का चर्चा बाजार में है जी चौराहा लोग बातचीत कर रहे हैं कि यार ये डुप्लीकेट का जी ठीक है नेपाल में जा रहा कालम है उसको एक महीना पहले क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई उसको रोका जाए कालम हम लोग परेशान है किसानों के क्या नाम है फजलुर रहमान नाम है कहाँ के रहने वाले हैं ग्राम सभा बाजार टोला सेमरा क्या समस्या है खाद को लेकर समस्या यही है कारण में हम लोग किसान परेशान खाद नहीं मिल रहा है हाँ। और तस्करी यहाँ से बेधड़ले के साथ हो रही है कारण नेपाल जा रहा खाद हाँ। उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो आप लोग शासन भी कुछ नहीं रोक रहा कारण में मतलब खाद रोका जाए इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से कभी की कि खाद नेपाल जा रहा है और आपको नहीं मिल रहा है शिकायत करने के बाद कोई सुनता थोड़ी है शिकायत भी करो कोई सुनने वाला नहीं है उसी की तरफ ये हमारे गांव सेमरा गांव में से जो गांव से रोड जा रही है जहाँ खड़े हैं यही से गांव में चार चार बोरा खाद यूरिया डाई सब लाद के ले जा रहे तस्कर लोग कहाँ पे ले जाते हैं लाद के नेपाल लेके जाते हैं प्रशासन को नहीं मालूम है कहाँ खाद जा रही है प्रशासन को देखना चाहिए ना कि इतना खाद कहाँ जा रहा है हो सकता है ना मालूम हो शासन कैसे नहीं मालूम है प्रशासन ही बजाने का नाम पुलिस चौकी एसपी कैंप है सब कुछ है तो यहाँ से जा रही है धड़ल्ले के साथ खाद अभी हम लोग एक आदमी उसमें क्या कर सकता है अभी हम लोग किसान है बताइए क्या करें उसके बाद अगर ये के 20 किलो या 25 किलो चावल लेके अगर नेपाल जाए हाँ हा। तो वो लोग पकड़ रहे हैं कौन पकड़ रहा है ये जो है शासन वाले हाँ हा। हा? हा हा। और ये खाद जो है दिनों रात जो है धोते हैं हाँ। इसका कोई जो है कुछ नहीं हो रहा अच्छा केवल खाद ढोते हैं कि और कुछ ढोया जाता है खाद भी जा रहा है चावल भी जा रहा है गेहूँ भी जा रहा है अच्छा जाने का समय
कोई समय नहीं है, समय कोई नहीं सर। जब उधर से समय तो उनको रात 3-4 बजे 5 बजे जब भी उनको मौका मिलती है तभी लोग लेके जाते हैं। क्या नाम है? सुबह में। हाँ सुबह सुबह शाम दोपहर सब लोग जाते हैं। अब परेशान है किसान इसमें। अच्छा ये आसपास के गांव में कहीं स्टोर किया जाता है क्या? गोदाम वोदाम है क्या? स्टोर गोदाम तो नहीं मालूम है। क्या नाम है? खाद लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? मोटरसाइकिल से लेके जाते हैं। गोदाम वोदाम यहाँ नहीं है। बाइक से लेके 4 बोरी 5 बोरी 3 बोरी 2 बोरी लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब यहाँ किसान परेशान, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, दर दर के ठोकर खा रहा किसान। और यहाँ तस्करी धड़ल्ले के साथ हो रही है। वहाँ जाओ तो दुकान में खाद ही नहीं है। ये लोगों को खाद मिल जाता है तस्कर लोगों को? कहाँ से खा जाता है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए तस्करी। हम लोग परेशान है किसानों के। अच्छा। किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं है तो हम लोग क्या करें भाई? कहाँ जाएं? हम यहाँ से अगर 10 किलो चावल 20 किलो चावल नेपाल लेके जा रहे हैं अपना काम है कर्मठ चलाने के लिए, वहाँ पुलिस वाले शासन वाले पकड़ते हैं। क्या नाम है? और ये लोग के लिए नहीं, पुलिस और प्रशासन है, ये लोग रातों दिन तस्करी करते हैं लोग। कम से कम सोचना चाहिए प्रशासन को भाई, किसान आदमी परेशान है। क्या नाम है? कैसे वो क्या करेगा? कहाँ से काल है? कितने दिन से खाद के लिए परेशान है? कितने दिन हो गया आपको खाद ढोड़ते ढोड़ते? किसान खाद तो बहुत दिन से ढो रहे हैं। ऐसे नहीं चल रहा है, खाद गेहूँ चावल हर चीज जा रहा है। आपका गेहूँ बोया गया कि नहीं बोया गया? अभी नहीं बोया। खाद मिल ही नहीं रहा भाई। नहीं मिल रहा है? नहीं, खाद नहीं मिल रहा है। दुकान पे जाओ वहाँ खाद ही नहीं है। इन लोगों को खाद कैसे मिलता है? कहना ये जो तस्कर कर रहे हैं आपके बगल वाले तो लाए हैं भाई साहब खाद कहीं से? लाए होंगे। कहना मैं बहुत से दिए थे जी, वो बहुत मुश्किल से दिए थे। जबकि हर दुकान पे डाई खाद जो है रखे हैं वो बोल रहे हैं कि गेहूँ लेंगे तब देंगे। अच्छा। कोई बोल रहा नहीं खाद ही नहीं है, जबकि दुकान में खाद एडवांस है डाई। तो लोग खाद किसको देते हैं आखिर? मालूम नहीं किस लिए नहीं दे रहे हैं। या तो नेपाली लोग के लिए नहीं दे रहे हैं या तो मालूम नहीं, नहीं। अगर खाद है दुकान में तो किसी ना किसी को बेचते होंगे वो जी। किसको बेचते होंगे वो? मालूम नहीं किसके लिए वो रखे हैं। किसानों को नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं।